ओके सो गाइस वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। न्यू कार आने के बाद आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होंगे कि फैक्टो मतलब ये कार कितना वेस्ट है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? तो इसको जानने के लिए हम इसकी ही वर्सेज मतलब इस कार का वर्सेज कर देंगे एबिलिटी वाला कार से। मतलब सोचो एक ऐसा कार जो एबिलिटी वाला कार को टक्कर दे तो वेस्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखने वाले क्या ये टक्कर दे सकता है या फिर नहीं। तो अगेन हमने यहाँ पे फैक्ट्री के आसपास से रेस स्टार्ट किया और सेम टू सेम यहाँ पे हम करने वाले हैं एबिलिटी वाला कार के साथ। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली ये कार का स्पीड आप देखोगे तो 155 56 ऐसा कुछ रहता है, 155 टू 160 कह सकते हो। अब देखो इसका स्पीड तो ठीक ठाक है, अब देखो टाइमिंग है, बट हमने एक सेट किया है मतलब कहाँ तक हमें जाना है ये चीज़ हमने सेट किया है। बट अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑल पे सेट कर देना है। अब देखो इस कार के टेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, बट रियल में ये स्पीड कितना है मतलब वाकई में ये कितने ज़्यादा स्पीड है और क्या ये कार मतलब जो एबिलिटी वाला कार है उसको टक्कर दे सकता है, मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। तो टोटल यहाँ पे 53 55 सेकेंड हो चुके हैं एंड अभी तक मतलब यहाँ पे अभी तक हम यहाँ पे जिस जगह में जाना है उस जगह तो अभी तक हम नहीं पहुँचे। तो वेट करते हैं एंड जस्ट यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं और कितना टाइम लगने वाला है वो सबसे मेन चीज़ है कि आखिर यहाँ पे टाइम कितना लगने वाला है और ये मेन चीज़ होने वाला है। यहाँ पे हमारा एंट्री कंप्लीट हो चुका है और 1 मिनट 15 सेकेंड यानी 1 मिनट 57 सेकेंड लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। अगेन हम यहाँ पे एबिलिटी वाला कार को टेस्ट करेंगे। तो अगेन हमने वहीं पे स्टार्ट किया है और इस टाइम मतलब आपको क्या लगता है मतलब ये कार जो एबिलिटी वाला कार है और न्यू कार है, एबिलिटी वाला कार को स्पोर्ट कार बोलते हैं और न्यू कार को न्यू कार ही बोलते हैं, समझ लो अभी इस वीडियो के लिए। यहाँ पे आपको क्या लगता है न्यू कार या फिर स्पोर्ट कार कौन जीतने वाला है? अभी एकदम भाई बिना मतलब वीडियो को आगे बढ़ाए आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है ये एबिलिटी वाला कार जीतेगा या फिर न्यू कार जीतेगा। एबिलिटी कार न्यू कार चल दे सेलेक्ट करो एंड देखते हैं हम इसे कितने लोग पहले ही अनुमान लगा पाते हो, क्योंकि आप फैक्टो गेमर के मेम्बर हो तो आपके पास इतना तो भाई अक्ल होंगे ही कि भाई आप इजी रूप से अनुमान लगा सकते हो। यहाँ पर हमने टेस्ट में ट्राई किया और टेस्ट ट्राई करने के लिए एक चीज़ हमने बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखा कि भाई स्पीड मेंटेन हो, मतलब जिसका हाईएस्ट स्पीड हो वो चीज़ उस कार को मिले ताकि तभी तो पता चलेगा भाई कौन से कार कितने बेस्ट हैं। तो अभी यहाँ पे 52 सेकेंड हो चुके हैं और यहाँ पे 54 सेकेंड भी हो चुके हैं। अब जस्ट यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं एकदम से अपने सही जगह पे, तो कितने के डिफरेंस होने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ तो मैं क्लियर बोल देता हूँ कि यहाँ पे जो टाइमिंग देखने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिला, मतलब जो न्यू कार है भाई स्पोर्ट कार मतलब न्यू कार जो अभी आया है, कार की स्किन पता नहीं बट जो भी न्यू कार है भाई ओपी, उसके भी स्पीड ओपी है बट एबिलिटी वाला कार भाई जीत जाता है। यहाँ पे इससे कह सकते हो थोड़ा ज़्यादा सा स्पीड है बट उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे न्यू कार भी बेस्ट होने वाला है और एबिलिटी वाले कार के लिए हमें टॉप अपमेंट करना पड़ा है। तो न्यू कार मतलब जो डायरेक्ट हमें गेम में मिले भाई कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट है, जहाँ पे वहाँ पे हमें पैसे भी नहीं लगे। समझ रहे हो? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना।